न्यूज़ उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं कलियर की। कलियर में निर्माणाधीन पुल का काम जोरों शोरों से शुरू हो चुका है और यहाँ पर पुल के काम ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। शासन और प्रशासन के अथक प्रयासों का परिणाम इस पुल के काम में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हर साल लगभग लाखों की तादाद में जायरीन आते थे जिनको काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ता था और हमारे पुलिस प्रशासन को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जाम लग जाता था, यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती थी जायरीनों को और पुलिस प्रशासन को। स्थानीय निवासियों को भी यहाँ पर बहुत दिक्कतें होती थी। कलियर वासियों ने कहा कि पुल का काम पूर्ण होने से मिलेगी बड़ी राहत और उनमें खुशी का माहौल बना हुआ है। सभी चाहते थे कि यहाँ पर जो जाम लगता है उससे निजात मिले और इससे निजात मिलने का लगभग समय आ चुका है। कलियर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर सभी जाति और सभी धर्मों के लोग बड़ी आस्था के साथ हर साल अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। कलियर में मांगी गई सारी मुरादें मुकम्मल होती है, ऐसा सभी की आस्था है, ऐसा सभी का विश्वास है। लेकिन हर साल यहाँ पर जो जायरीन आते थे उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये पुल का काम पूर्ण होने के बाद यहाँ पर किसी भी तरह का कोई जाम नहीं लगेगा और किसी भी तरह की मुश्किलें किसी के सामने नहीं आएंगी। कलियर क्षेत्र में हर साल देश और विदेश से सभी जाति और धर्मों के जायरीन अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए आते हैं। कलियर विधायक फुरकान अहमद और प्रशासन व शासन के अथक प्रयासों की बदौलत पुल के काम में काफ़ी तेजी आई है। यहाँ पर न्यूज़ उत्तराखंड समाचार के लिए कलियर प्रभारी एजाज कुरैशी की रिपोर्ट। न्यूज़ उत्तराखंड समाचार के लिए ब्यूरो चीफ पुनीत रोहिला के साथ एंकर व रिपोर्टर मोहम्मद नाजिम। Smart Sound. Sound.